तो फाइनली हम पहुंच गए हैं जी वाटर पार्क और टिकट ले लिया है तीन लोगों का। हाँ जब चल रहे हैं देख रहे हैं यहाँ पर मिक्की माउस सब है बने हुए, सभी उसके साथ फोटो ले रहे हैं। लड्डू भाग रहा है, मामी पीछे पीछे दौड़ रही है। तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं उस बाल्टी के भरने का। तो हम जी बैठ गए ट्यूब में और अपना राइड ले रहे हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी फिलहाल हम लोग लिफ्ट में और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं आज वाटर पार्क। सोचे कि गर्मी बहुत है और गर्मी का मौसम ही सबसे परफेक्ट है वहाँ पर जाने के लिए, तो सभी लोग जा रहे हैं। लड्डू को भी बहुत मन था वाटर पार्क जाने का, तो लड्डू को लेकर के चल रहे हैं। और नैन्सी दीदी सबको भी रिक्वेस्ट किया, वो कहेंगे नहीं हमें जाने का मन नहीं है, तुम लोग चले जाओ वहाँ पर। और क्रियांश जो है यहीं पर है अपनी दादी के पास, अपनी बुआ के पास, और वहीं पर अपना मजे से खेल रहा है। पहले तो दिक्कत होती थी क्रियांश को छोड़ने में, लेकिन अब क्रियांश का जो है यहाँ पर मन लग गया है और रम गया है बहुत ही अच्छे से। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं। फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग और कोशिश करेंगे कि वाटर पार्क के साथ साथ एक और पॉइंट है, शायद आइसलैंड बोलते हैं या स्नो पॉइंट बोलते हैं पता नहीं, वहाँ चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं और लड्डू बैठे हुए हैं, लड्डू हमारी गोदी में बैठा हुआ है, क्योंकि लड्डू आगे इसलिए भी बैठता है क्योंकि इसको उल्टी आती है। अगर उल्टी आती है तो आप आगे बैठोगे तो फिर आपको उल्टी नहीं आएगी, ऐसा हमारे साथ भी कई बार हुआ है। और दीदी लोग घर पे हैं, दीदी को भी हमने बोला कि दीदी चलिए, दीदी बोलती है कि नहीं जीजा जी गुस्सा करेंगे अभी, क्योंकि घर का एक भी काम नहीं कर रही हूँ मैं, अभी कर लेती हूँ फटाफट क्योंकि जीजा जी भी चले जाएंगे फिर चलेंगे हम लोग साथ में। बोले ठीक है। और बहुआ को भी घर में छोड़ दिए क्योंकि अभी उसका सोने का टाइम है, वो अभी दो तीन घंटा आराम से सोएगा, स्नान करेगा और फिर दूध पी के सो जाएगा। तो मम्मी बोली इसको स्नान करके यहाँ सुला देते हैं क्योंकि फिर हम लोग को खाटू श्याम भी जाना है, तो अभी फिर इधर से उधर होगा तो बच्चों का, तो एक दिन अगर कहीं घूमता है तो दो तीन दिन उसको प्रॉपर रेस्ट चाहिए। तो कल हम लोग को खाटू श्याम जाना है, तो मम्मी बोली इसको यहीं छोड़ दो, उसको सुला देंगे, जब तक तुम लोग आओगे तब तक वो सोया रहेगा, नहीं तो थोड़ा बहुत खेलेगा भी उठेगा भी, तो कोई दिक्कत नहीं, घर में सारे लोग हैं। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं 12:11 में और एंट्री जो होती है सुबह 9 बजे ही हो जाती है, लेकिन हम लोग बहुत लेट पहुंच रहे हैं क्योंकि इनका प्रोग्राम हमेशा लेट ही होता है। लास्ट टाइम में बोले आप चलना है फटक से रेडी हो, और हम लोग है लड्डू तो सोया हुआ ही था, तो ही बोलते लड्डू तुमको वाटर पार्क जाना है, तो फटाक से उठ के ये भी तैयार हो गया और हम लोग भी और निकल दिए। और शाम के 4 बजे तक खुला रहता है और हम लोग पहुंचने वाले हैं 12:30 बजे तक। एंट्री करते करते मुझे लगता है 1 बज जाएगा, फिर भी कुछ टाइम रहेगा हमारे हाथ, देखते हैं क्या सब होता है, आप लोगों को भी दिखाएंगे। थोड़ा पहले बोलते तो और भी अच्छा रहता, लेकिन पहले ही बोले नहीं आप लास्ट टाइम। ए लड्डू आपके मामा कितने बार बोलते हैं कि चलना है फिर प्लानिंग फ्लॉप है, नहीं जाएंगे। लड्डू बोले मुझे तो कंफर्म ही नहीं था कि मामा जाएंगे, नहीं तो सुबह उठ जाते हैं। बताओ जहाँ 5-6 घंटे एंजॉय करते हैं, हाँ 2 घंटे करोगे, 2-3 घंटा कोई बात नहीं। कितने बजे तक खुला रहता है? शाम के 4 बजे तक, 1 बजे तक पहुँचोगे। 3 घंटा फिर स्नो पॉइंट पे भी जाना था ना हम लोग को, कब जाएंगे? आज ही चल जाएंगे वहाँ से निकलने के बाद। वाह, यानी वहाँ से कब आएंगे? रात के 10 बजे तक। ऐसे बना रहे उल्लू बेटा, कोई भी शाम के 4 बजे से बाद नहीं खुला रहता, 4 से 5 बजे तक ज्यादा से ज्यादा खुला रहेगा, 10 बजे तक रहता है। वाह फिर तो सही है लड्डू, है ना, चलते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके अपने वाटर पार्क में, क्या नाम है वाटर पार्क का? वर्ल्ड्स ऑफ वंडर। और यहाँ पे अभी पार्किंग का चल रहा है प्रोसेस, जो कि मैं एक बार और भी आई हूँ यहाँ पे, है ना, शादी के बाद। बिल्कुल उस समय मेट्रो से आए थे, हाँ, गाड़ी से आए, थोड़ा अंदर जाके है ना, हम लोग पैदल चले थे वहाँ तक, याद है आपको? और बर्गर भी खाए थे हम लोग कहीं पे, यहीं पे, यहीं पे बैठे। हाँ, सही है, कई बार आप कई बार, हाँ यहीं पे खाए थे हम लोग, हम एक बार आए हैं, अभी तो एक ही बार आए हैं, दो बार आए हैं, एक मेरे साथ, एक बार अपने दोस्तों के साथ आए थे। V2 काउंटर इधर ही है आपका काउंटर, V2 काउंटर आ गया। अच्छा ये देख सकते हैं हमारा लड्डू कितना एक्साइटेड है, लड्डू कितने एक्साइटेड है बता? बहुत ज्यादा। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं जी वाटर पार्क और टिकट ले लिया है तीन लोगों का, जो है लगभग 3800 रुपया के करीब पड़ा है। तो अंदर चलते हैं, कॉस्ट्यूम सब भी अंदर ही मिलेगा, तो चल करके लेते हैं। यहाँ जब चल रहे हैं देख रहे हैं यहाँ पर मिक्की माउस सब है बने हुए, सभी उसके साथ फोटो ले रहे हैं बच्चे सब। चलो पहले अंदर, पहले हम लोग नहा ले उसके बाद देखा जाएगा लास्ट में, क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत कम है अब। A few moments later. तो फाइनली हम लोग वाटर पार्क में एंट्री मिल गई है जी हम लोगों को, और थोड़ी सी मशक्कत हुई क्योंकि जिया ने जो है एंट्री पास जो है खो दिया था कहीं पर, पैर नहीं बिल्कुल दिया हुआ था, क्योंकि मिल कैसे गया सिक्योरिटी गार्ड को, कीड़ा हुआ पता नहीं, वो
दूसरे का भी हो सकता है। भगवान दाने जो भी है जी, तो बहुत ही अच्छा खासा मशक्कत हुआ। हम तो कहते रह गए कि देखिए आपने तो बैंड दिया ही नहीं हमें, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ऐसा करिए सिक्योरिटी के पास जाइए, वहाँ से अगर आपको क्लियरेंस मिल जाए तो कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो यहाँ से दे दिया। हमने कहा कि देखिए आप जो अपना सीसीटीवी चेक कर लीजिए, सीसीटीवी भी चेक नहीं कर, क्योंकि जो ब्लॉगिंग कर रहे थे कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि हमारे हाथ में बस एक ही था, वो था लड्डू का, हमारा नहीं था हमारे पास में। तो चलिए कोई बात नहीं जी, कैसे भी हो एंट्री हमें मिल गई है और यह ड्रेस ले लिया है। ड्रेस यहाँ किराए में मिलता है 150 रुपये में एक टी शर्ट, 150 रुपये में पैंट, बिल्कुल। तो अच्छा खासा लगभग 1000 रुपये का कॉस्ट्यूम आया है रेंट में, ठीक है, जिसमें से 200 रुपया रिफंड हो जाएगा। फिर उसके बाद लॉकर रूम का भी यहाँ पर अलग से चार्ज है, जिसका जो है आपको 150 रुपया देना होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट 200 रुपया लेते हैं, क्योंकि आपको बाद में जो रिफंड मिल जाएगा। तो हम क्या किए, एक ही लॉकर ले लिए, जिया का भी ड्रेस उसमें डाल दिए, सब कुछ उसमें डाल दिए, दो लॉकर ले लिए, पैसा बचा लिया। अपना नहा क्या किया, पीछे देख सकते हैं जी वहाँ पर है अपना झरना, उसी झरने में जा करके सभी लोग नहाते हैं। हम तो चाह रहे हैं कि वो ले लें अपना मोबाइल कवर, तो मोबाइल कवर हम ये मिल नहीं रहा है क्योंकि वहाँ शॉर्टेज हो गया है, बोल रहा आधे घंटे बाद मिलेगा, फिलहाल जा करके नहा लेते हैं, ब्लॉगिंग नहीं करते तब तक। तो फाइनली हमें मोबाइल कवर मिल गया है जी, वैसे तो आईफोन में कहा जाता है ये स्प्लैश प्रूफ है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं ले सकते, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो हमने जो है मोबाइल का कवर ले लिया है और मोबाइल का कवर जिसके ऊपर लगा दिया है, फिर आए पानी में, तो शुरुआत हमारी यहाँ से हो रही है, उसके बाद चलेंगे हम लोग थोड़ी बाकी का राइड है वो लेंगे। ओए ओए लड्डू भाग रहा है, मामी पीछे पीछे दौड़ रही है, पकड़ 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 पकड़। यहाँ पर शोवर लेने के बाद जो है हम लोग जा रहे हैं बाकी का राइड सब देखने के लिए। राइड तो एक बड़े एक है, मुझे सबसे अच्छा लगता है यहाँ का ये जो है ना स्लो रिवर, आराम से ट्यूब पर बैठ जाओ और वहाँ से जो है आराम से फ्लोट करते करते यहाँ पर आओ। इससे चले क्या हम लोग, इसी पर चले क्या, इसका शायद उधर होगा एंट्री, चलते हैं उधर, या नहीं है वहाँ से सब लोग बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं एग्जिट है वो। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं उस बाल्टी के भरने का, तो सभी लोग वहाँ पर चलते, चलो जी वहीं पर खड़ा रहते हैं, जल्दी जल्दी तो हम लोग चल रहे हैं जिया फैमिली राइड लेने के लिए, अच्छा खासा नहाना हो गया यहाँ पर। ओए होए 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 अच्छे से धुलाई हो रही है, जा रहे हैं इसके अंदर, चलो चलो। तो ये बोला तो राइड हमने ले लिया जी, यहाँ पर फिसलन ज्यादा था नहीं, खुद से ही अपना स्लाइड स्लाइड करके हम लोग आ रहे थे। अब स्लो रिवर में चलते हैं, कहाँ से है, उस साइड से था साइड। तो यहाँ पर हम लोग लाइन में लगे हुए हैं स्लो रिवर वाला राइड लेने के लिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर लाइन कितना लंबा है, अच्छा खासा लाइन है यहाँ पर, और जो भी राइड लेना चाहते हैं सब में अच्छा खासा लाइन रहता है। तो ज्यादा भीड़ में अच्छा तो लगता है कि बिल्कुल अच्छा तो लगता है कि क्राउड है, लेकिन ये लाइन जो लगना पड़ता है हर चीज के लिए लंबा लंबा, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो हम जी बैठ गए ट्यूब में और अपना राइड ले रहे हैं, चश्मा भी लगा लेते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा, धूप भी है अच्छा खासा, लेकिन धूप हम लोगों को फील नहीं हो रहा है कि पानी में इतना मजे कर रहे हैं हम लोग, खूब मजा आ रहा है। लड्डू है उधर, ये देखिए लड्डू को, उधर वही लड्डू, तो लड्डू हम लोग का वेट कर रहा था, हम लोग का ट्यूब थोड़ा आया लेट से, आराम से बसेस में लेटे रहना है और कोई दिक्कत नहीं है। ओए लड्डू, ओए होए होए, आया मजा, अच्छा कैसा दूरी है इसमें, तो काफी मजा आ रहा है जी राइड में। और अभी तक जो है लगभग कितना दूर ट्रेवल किया होंगे, कितना मीटर अभी नहीं मालूम, बस कल ही मजा करना है। और लड्डू जो है ये देखिए पकड़ा हुआ है हमारा ट्यूब, ताकि इधर उधर नहीं जाए, तो यहाँ से हम चलते हैं। ओए तो यहाँ पर हमारे एक प्यारी सी सब्सक्राइबर मिल गई है, बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले यहाँ पर, तो काफी अच्छा लगा जी जो भी लोग यहाँ पर मिले। होय 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 होय, ये लो ये लो ये लो, ओह सॉरी सॉरी। यहाँ पर हमारी यह राइड हुई जी खत्म, और उस बाउंड्री के पास आएंगे और यही राइड हमारा होता है फिनिश। अब उतरा दे, कैसे उतरा दे पता नहीं, पहले रुक जाओ, एक साथ उतरना वरना कोई गिर जाएगा पानी में।
अब हम जा रहे हैं जी जो हमारा सबसे मजेदार राइड है वो राइड लेने के लिए। एक राइड तो हम लोग ले चुके हैं जो हमारे सामने दिख रहा है, और इसके अलावा जो है दूसरी राइड लेनी है। तो सभी लोग चल रहे हैं। लड्डू को जो है यहाँ जो तीन राइड है वैसे लड्डू को सिर्फ एक में अलाउ है, येलो वाले में हम नहीं जाएंगे। एक बार जा चुके हैं और हमें मालूम चल चुका है कैसा राइड है वो। तो हम जिया को कह रहे हैं तुमको 1,00,000 रुपया मिल जाएगा, तुम चले जाओ, पक्का मिल जाएगा, जाओ। तो हमने ले लिया जी ये वाला राइड, और हमें लगा था कि बहुत ही आसान राइड होगा, लेकिन थोड़ा था डरावना क्योंकि अंधेरा था, अंदर में टकराने का भी खतरा रहता था। जिया का तो सर लग गया, हमारा नहीं लगा, आराम से आई। और फोन हम सोच रहे थे कहाँ रखे, सोचे पॉकेट में रख ले तो पॉकेट ही नहीं है, तब गले में टांग के हम फोन लाए, इसमें ये रसी दिया हुआ है। अब लगी है जी सभी को बहुत ही तेज भूख, तो हमने जो है मंगवा लिया है खाने के लिए, तैयार लिया है समोसा और साथ में हरी चटनी और उधर एक पानी बोतल। तो हम लोग जल्दी से पेट पूजा कर लेते हैं फिर बाकी की राइड करेंगे। वैसे मीठी चटनी ढूंढे, यहाँ पर मीठी चटनी मिली नहीं, कोई बात नहीं, हरी चटनी ही सही। और समोसा का साइज देखिए, 80 रुपए में ये एक प्लेट, मतलब 20 रुपया केक है ये, सही है ना, कितना सस्ता है यहाँ पे। तो लड्डू अभी ले रहा है स्लाइड, ओए लगता है जब तक हम लोग आए अच्छा खासा सा राइड ले चुका है। और ये आया लड्डू फिर से एक और राइड लेके, ओए चोट भी लगता है पीछे, नहीं लगता चोट, कहाँ पर है, क्या यहाँ पे मैट है, यहाँ पे जी। यहाँ देख रहे हैं दादी जी भी हैं, यहाँ राइड कर रही हैं, वाह वाह वाह, इस उम्र में भी बचपन एकदम मौजूद है। ओहो, पोते के साथ हुए भी, तो लगता है पोते के साथ जान क्या ही होगी, ताकि पोता का सुरक्षा हो सके। ओए होए होए, क्या प्यारा नजारा है यार। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों मामा भांजा जो है हमसे फोटो शूट करवा रहे हैं। कैसा लग रहा है लड्डू, कैसा लग रहा है, जल्दी बता। तुमको लड्डू कैसा लगा? बहुत मजा आया। उस समय यह लग रहा है कि क्रियांश आता तो और मजा आता, लेकिन क्रियांश को लेकर के बस थोड़ी सी फिक्र यही है, 4-5 घंटे अगर पानी में भींगेगा तो जुकाम और सर्दी ना लग जाए, कीचड़ से नहीं लाए वरना बहुत एंजॉय करता है वो। तो हम लोग आगे हैं जिस पुल में और देख सकते हैं एकदम पानी के बीच जा करके अपना पानी का भी यहाँ पर सामान सब है, वो सब भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन खाना नहीं खाना है अभी, बस हमें पीना है। यहाँ देख सकते हैं दोनों मामा बहन भांजा को, क्या चल रहा है भैया, इसका मैं कैन खोल रहा हूँ। लड्डू अपना बंदूक ढूंढ रहा था, इसका अपना ये बंदूक मिल गया, ये क्या हो गया बंदूक में, गोली दूसरे साइड से आ रही है। क्रियांश से अपना वाटर गन ढूंढ रहा था, कोई बात नहीं, उल्टे दिशा से ही सही, इधर से ही चल रहा है, ये सही दिशा से चल रहा है। ओए थोड़ा सा आगे, आगे से निशाना लो, अच्छा इधर से पानी गिर रहा है, नहा लेते हैं इसी में। ओए ये देखिए ये बालक निशाना मार रहा है मेरे ऊपर। ओए ओए, तो वाटर पार्क में तो घुमा हो गया जी, और अच्छे से घूम लिया और अच्छे से राइड को हमने एंजॉय कर लिया, और अब जो है जितना भी अपना सामान था सब कुछ डिपॉजिट करा दिया और रिफंड भी ले लिया, और अब चलते हैं फिलहाल घर। और उम्मीद करते हैं आज का जो यह ब्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा, हम लोग खूब इंजॉय किए, आप लोग भी इंजॉय किए होंगे देखते समय। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले।
और हाँ जी हमारे वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, बहुत सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।